बड़ी खबर चंदौली से सामने आई है, जहां थाना चकिया अंतर्गत ऑटो चालक की हत्या का सफल अनावरण, चार अभियुक्तों सहित दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। वाराणसी से अदलहाट मिर्जापुर भाड़े पर ऑटो ले जाकर पैसा ना होने पर दिया घटना को अंजाम। वहीं तीन दिन पहले बीते रविवार को ऑटो चालक का बरामद हुआ था शव। थाना चकिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटवारा कला दुलहिया दाई मंदिर के सामने खेत में की गई थी युवक की हत्या। हत्या में प्रयुक्त सब्बल व पाइप गांव टकटकपुर में खलिहान में बने भूसे की झोपड़ी में छिपाकर रखकर हुए थे फरार। दिनांक 19 मई को चकिया थाना क्षेत्र के भटवारा कला ग्राम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उस अज्ञात शव की शिनाख्त कराई गई। वह व्यक्ति आदर्श मिश्र थाना रामनगर जनपद वाराणसी का रहने वाला था और ऑटो चालक था और स्वयं अपना ऑटो चलाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस अज्ञात हत्याकांड के अनावरण के लिए तीन टीमों का गठन किया था, तो इसी टीमों द्वारा सीओ चकिया के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया और स्वाट सर्विलांस टीम के ऑपरेशन में इस घटना का क्रम का सफल अनावरण किया गया है। इस हत्याकांड में चकुल चार व्यक्ति शामिल थे, जिसमें दो बाल अपचारी हैं। ये दोनों लंका स्टैंड से ऑटो चालक का ऑटो बुक करा के 600 रुपये में किराए देने की बात कह के अदलहाट के लिए चले थे। इन लोगों ने रास्ते में ही तय कर लिया था कि इसको माइंड मेकअप किया हुआ था, पैसा नहीं देना है, और अदलहाट जाने के बाद इन लोगों ने उसे और आगे चलने के लिए कहा और कहा कि आपको 100 रुपये हम एक्स्ट्रा देंगे। बाद में इन लोगों ने पैसा देने से मना किया, वहाँ वाद विवाद होने लगा। इसी बीच में मृतक के भाई ने अपने भाई को फ़ोन किया तो मृतक ने अपने भाई को बताया कि ये लोग पेटीएम से पैसा देने की बात कर रहे हैं और हमारे मोबाइल नंबर पे पेटीएम नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए। हमलावरों ने उसके भाई के नंबर पे फेक रसीद भेजते हुए बताया इसके चालक को, ऑटो चालक को, कि आपके भाई के नंबर पे पैसा भेज दिया गया है। फिर इसने अपने भाई से कन्फर्म किया मृतक ने, तो पैसा उसके भाई के पास गया नहीं था। और इस बीच फ़ोन से बात हो रही थी तो जो सवारी उसमें बैठे हुए थे हमलावर लोग, ये लोग उसके भाई जो मृतक था ऑटो चालक से वाद विवाद कर रहे थे, वहाँ झगड़ा फसाद की भी पोजीशन बन गई थी। बाद में जो उसमें बाल अपचारी दोनों बैठे हुए थे ऑटो चालक में, इन लोगों ने अपने दो मित्रों को बुला लिया फ़ोन से और इन लोगों ने लोहे के राड और सब्बल से सर पे उसके प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और बाद में टेम्पो को ले जाके एक नहर में ढकेल दिया था। तो इस तरह से कल इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए कुल चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें दो बाल अपचारी हैं और दो वयस्क अपराधी हैं। सर, मतलब किराए का विवाद था या टेम्पो की लूट करने का प्रयास किया गया? नहीं, टेम्पो को लूट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं था, ये मात्र किराए का विवाद था और विवाद इस स्तर पर बढ़ गया इन लोगों का आपस में। ये लोग पैसा देना नहीं चाहते थे और बाद में इन लोगों ने अपने मित्रों को बुला के लोहे के राड और शब्बल से उसकी हत्या कर दी। ऑटो तो घटनास्थल के थोड़ी दूर बाद बरामद।